हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन में किसी स्ट्रिंग से स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव करना देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो एक str स्ट्रिंग दे देते हैं। स्ट्रिंग में हम देते हैं हेलो, @ दे दिए हम, फिर हैश दे देते हैं और डॉलर दे देते हैं हाउ, और यहाँ हम परसेंटेज दे देते हैं हाउ के साथ। आर यू में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर है इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले एक ब्लैंक स्ट्रिंग और दे देते हैं जिसमें हम रिमूव करके ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर करें। इसके अलावा आप अगर किसी प्रकार का आपका क्वायरी हो या क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन str। ये जो लूप है ये क्या करेगा, str जो स्ट्रिंग है वो उसके स्टार्टिंग टू लास्ट मूव करेगा। अब यहाँ हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ आई डॉट इज एल न्यू, यानी अगर अल्फा हो यानी अल्फाबेट हो और न्यूमेरिक अगर हो, तो जो भी अल्फा हो या न्यूमेरिक हो उसको आप b में ऐड करते जाओ, b प्लस इक्वल टू i। ऐड करने के बाद अब सिंपल इसको हम प्रिंट करते हैं b को। जैसे ही प्रिंट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ मेरा प्रिंट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हेलो हाउ आर यू यानी स्पेस को भी हटा दिया है, यानी जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है उसी को ही प्रिंट किया है। तो यहाँ स्पेस को लाने के लिए हम एक और कंडीशन यहाँ ऐड करेंगे, और I इक्वल टू इक्वल टू, अगर स्पेस हो तब स्पेस को भी ऐड करेगा। ये स्पेस ऐड हो गया। इसको और एक तरीका से हम कर सकते हैं, यहाँ I डॉट इज स्पेस फंक्शन यूज कर सकते हैं, इज स्पेस स्पेस। अब इसको हम रन करके देखते हैं, हेलो हाउ आर यू प्रिंट हो रहा है, ये सिंपल है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क को अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ सिंपल हम दे देते हैं आई इक्वल टू अगर क्वेश्चन मार्क, तब क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो इस तरह हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। ये तो हम इज एल फंक्शन और इज स्पेस यूज करके किए हैं। अब हम सिंपल और एक तरीका से इसको करके देखते हैं। इसके लिए हम सिंपली पूरे इसको हटा देते हैं। ये सिंपल वन वे हुआ, सेकेंड वे से हम देखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें जो भी स्पेशल कैरेक्टर हमें हटाना है वो दे देते हैं। जैसे @ हटाना है, हैज हटाना है, डॉलर साइन हटाना है, फिर परसेंटेज हटाना है, और क्वेश्चन मार्क अगर हटाना है तो दे सकते हैं, नहीं हटाना है तो नहीं दे सकते हैं। फिलहाल हम दे देते हैं इसको, हटाना है इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एक लूप लगाएंगे, फॉर आई इन स्पेस स्पेशल कैरेक्टर। सिंपल जो भी स्पेशल कैरेक्टर है उसका स्टार्टिंग टू लास्ट चेक करेगा, अगर है तो a तो हम यहाँ डिक्लेयर नहीं किए हैं, स्ट्रिंग हम किए हैं स्ट्रिंग, तो str इक्वल टू करेंगे str डॉट रिप्लेस। क्या रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करेंगे हम i को ब्लैंक्स, सिंपल। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे str को, यहाँ मेरा आ गया हेलो हाउ आर यू। इसमें आप और अच्छा से मैनेज कर सकते हैं, लाइक अगर आप स्पेस हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ स्पेस भी दे देते हैं, स्पेस हट गया। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं हटाना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए, तो ये क्वेश्चन मार्क भी मेरा रह गया। तो इस तरह हम आसानी से किसी स्ट्रिंग से स्पेशल कैरेक्टर या पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिमूव करके उसको प्रिंट करके यूज कर सकते हैं किसी फंक्शन में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर करें।